प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 16 दिसंबर को रायबरेली के प्रस्तावित दौरे पर रह सकते हैं। इस वक्त मैं रायबरेली के लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री के प्लांट में हूं और मेरे साथ इस प्लांट के यूनिट हेड और जनरल मैनेजर सुनीत शर्मा जी हैं। मैं शर्मा जी से जानूंगा कि आखिर क्या खासियत है उनके इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री प्लांट में, जिसने देश के प्रधानमंत्री को वर्षों बाद रायबरेली की सरजमी पे आने को मजबूर कर दिया है। शर्मा जी, टीवी में आपका स्वागत है और मुझे ये बताइए कि आखिर क्या है आपके इस प्लांट में, अनोखे और विश्व स्तरीय प्लांट में क्या खासियत है जो देश के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं? मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली देश का सबसे आधुनिकतम, स्टेट ऑफ द आर्ट, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेसिव कोच मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इस प्लांट में रोबोटिक्स है, मैकेनाइजेशन है और ऑटोमेशन है। यह प्लांट सबसे ज्यादा मॉडर्न है और यहां जिस तरह से कोच बनती हैं वो कहीं और इस तरह से कोच का निर्माण नहीं होता है। हम लोग ने लास्ट ईयर तक करीब 711 कोच बनाई थी लास्ट ईयर, और इस साल इस ऑटोमेशन के द्वारा हम लोग इस साल हम 1422 कोच बनाएंगे, यानी लास्ट ईयर से हम डबल आउटन रखेंगे। ठीक है सर, एक चीज मुझे ये बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जो वो हिडन अनाउंसमेंट करने वाले हैं, थोड़ा उसके बारे में मुझे आइडिया दीजिए कि क्या एमसीएफ नया करने जा रहा है जो देश के विकास में एक बहुत मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। एमसीएफ में जो कोचेस हमारे बन रहे हैं उनका क्वालिटी को देख के ये फैसला किया गया कि यहां पे कोचेस का जो बनाने का नंबर्स है वो बढ़ाया जाए और इसका आउटन इस फैक्ट्री का बढ़ाया जाए। इसी के तहत एक हमारा वर्क रेलवे बोर्ड ने सैंक्शन किया जिसमें कि 1000 की जो हमारी कैपेसिटी थी उसको बढ़ा के 2000 किया जाएगा। ये वर्क हमारा इस साल वित्तीय वर्ष में सैंक्शन हो गया है और इस वर्क में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ मशीनें हैं हमारी, जिससे कि हम लोग उस क्षमता को प्राप्त कर लेंगे कि हम यहाँ पे 2000 कोच इसी प्लांट में बना सके। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या है इन्फॉर्मेशन जो मेट्रो कोचेज हैं और बुलेट ट्रेन के कोचेस के बारे में क्या है वो भी बताइए जरा। हम लोग LHB कोचेस तो बना ही रहे हैं जो कि वैसे बहुत एडवांस कोचेस हैं, लेकिन इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत मेट्रो कोचेस को बनाने का भी हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध करनी है। हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग ये बनाना चाहते हैं कि ये मेट्रो कोचेस भी हम लोग अपने ही प्लांट में बनाएं ताकि विदेशों से हमारी डिपेंडेंस खत्म हो जाए। आगे चल के हम लोग बुलेट ट्रेन की कोचेस को भी बनाने का यहाँ हमारा इरादा है। हमारे पास सारी फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है और उस तरह का मैकेनाइजेशन है जो बुलेट ट्रेन की कोचेस और मेट्रो की कोचेस को बनाने में हमारे लिए अच्छा रहेगा। सब चीजें सही हैं, आप एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो फंडामेंटल चीज है सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में। लास्ट टाइम मेरी सीआरबी अश्विनी जी से भी बात हो रही थी, एक रायबरेली एक्सीडेंट में वो आए थे, तो मैंने उनसे पूछा क्या खास फर्दर आप, मैं दोबारा से उसी पे आऊंगा कि सिक्योरिटी फीचर में क्या आप खास कर रहे हैं, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एमलगमेशन होगा इसमें? जी हाँ, हम लोग आगे काफी बढ़ चुके हैं। हमारी जो कोचेज यहाँ बन रही है उसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और जो हम नई तरह की कोचेस और बना रहे हैं जिनको हम स्मार्ट कोचेस कहते हैं उसमें वो सारे सेफ्टी फीचर्स हैं जिससे कि हमारे यात्री जो सफर करेंगे उनके लिए बड़ी सेफ जर्नी होगी। धन्यवाद, थैंक यू। ये थे हमारे साथ रायबरेली के लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर सुनीत शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि रायबरेली के प्रोड्यूस होने वाले कोच न केवल विश्व स्तरीय रहेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का भी उसमें एक एमलगमेशन होगा। वर्षों से रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, सोनिया गांधी कई सालों से रायबरेली की सांसद रही हैं। इस रायबरेली की सरजमी पे इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बदौलत देश के प्राइम मिनिस्टर का आना संभव हो पाया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो विकास की इबारत भाजपा व केंद्र सरकार मॉडर्न कोच फैक्ट्री के जरिए करना चाहती है उससे देश का और समाज का जरूर लाभ मिले। ईटीवी भारत के लिए रायबरेली से प्रणव कुमार।